वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा अटल धन 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 साहिब सतगुरु जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मनण वालियां संगतां, पवित्र पावन गुरबाणी ते भरोसा रखदियां हन, गुरबाणी दे हुक्म नूं मनदियां हन, उन्हां वास्ते गुरबाणी ही सब कुछ है। गुरबाणी नाल ही उन्हां दा मन टिकिया रहिंदा है, काम कार भी करते हन, दुनिया दे काम धंधियां विच भी रहिंदे हन, पर स्वास स्वास अपने मालिक नूं, वाहिगुरु जी नूं, अकाल पुरख जी नूं, अपने सतगुरां नूं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी तों लै के दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अते प्रेजेंट टाइम ते धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों नाल अपना मन जोड़ के रखते हैं। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन गुरबाणी के अंग हैं 168। गौड़ी बैरागण महला चौथा, गौड़ी बैरागण है महला चौथा। धन गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र पावन बचन हैं, उन्हां दी पवित्र मुखारबिंद तो उचारण होई होई गुरबाणी है साढ़े भले वास्ते। गौड़ी बैरागण फोर्थ महल। ज्यों जननी सुत जन पालती राखे नदर मझार। जिवें जननी माँ बच्चों नूं जन्म देण वाली माँ जड़ी है, पहलियां समयां दे विच पुत्र नूं सुत कहा जांदा सी, अज भी गुरबाणी विच आउंदा है सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राखस तेते। जनन वाली, जन्म देण वाली किन्ने भी गुनाह होण बच्चे दे, वो अपने मन विच नहीं रखदी। धीआं नूं पहले समय विच सुता कहा जांदा सी, इत्थे सतगुरु जी बड़े प्यार नाल समझा रहे हन। धी होवे ते भावें पुत्र होवे, जनन वाली, जन्म देण वाली माँ जड़ी है अपने बच्चे नूं, अपने पुत्र नूं, धी नूं पालदी है, पोसदी है, अपनी नज़र विच रखदी है। मेरा बच्चा भुखा ना रह जावे, अंदर होवे बाहर होवे, प्यार नाल सरवण करो। ज्यों जननी, जननी कहिंदे ने जन्म देण वाली नूं, सुत सतगुरां ने औंकड़ लाया है, इत्थे पुत्र भी है ते सोता भी, अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि पुत्र धी दोनों नूं माँ जन्म देंदी है। जन पालती, जन्म दे के पालती है, दुध देंदी है, राख है नदर मझार, हर वेले अपनी अखां अपने बच्चे वल लाई रखती है माँ जड़ी है। जस्ट एज द मदर हैविंग गिवन बर्थ टू ए सन फीड्स हिम एंड कीप्स हिम इन हर विजन। अंतर बाहर मुख दे गिरास, जिन्हों चिंता रहती है हर वेले, उदे मन का ध्यान जड़ा है अपने पुत्र वल, बच्चे वल लगा रहता है, जे धी होवे ते उदे वल भी लगा रहता है। भावें कमरे तो बाहर होवे ते भावें कमरे के अंदर होवे, जिवें असी वड्डे हो गए हाँ ते सानूं हुक्म है नित जपीए सास गिरास नाउ परवतकार दा। गिरास कहिंदे ने जिवें रोटी का टुकड़ा हुंदा है, पर बचपन विच जदों माँ जन्म देंदी है उस वेले बच्चा रोटी का टुकड़ा तो खा नहीं सकता। अकाल पुरख जी ने पहलों देता है रिजक संबाहा, पिछों देता है जंतु पाह, पहले माँ नूं दुध दिता है, उस बच्चे का फूड दिता है, उसका लंगर माँ नूं दे छड़िया है, पहला ही दे छड़िया है जन्म होने तो। अंदर होवे ते बाहर होवे, भावें माँ जिहड़ी है अपने बच्चे नूं
ग्रास देंदी है, दुध देंदी है। खिन खिन पोचार, खिन खिन टाइम नू कहिंदे हन, अजकल सैकेंड कहिंदे हन, पालदी है पोसदी है। अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, इनडोर्स एंड आउटडोर्स। द शी पुट्स फूड इन हिज माउथ ईच एंड एवरी मोमेंट्स शी कारेसेस हिम। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, जिवें मां बच्चे का ध्यान रखती है, खिन खिन पल पल ईच एंड एवरी मोमेंट शी कारेसेस हिम। इन जस्ट द सेम वे, धन गुरु रामदास महाराज जी सेज, इन जस्ट द सेम वे द ट्रू गुरु प्रोटेक्ट्स हिज गुरसिक्स हू लव द बिलवड लॉर्ड गॉड। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे राम। धन गुरु रामदास जी फरमाते हैं, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੋ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਆਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਬਾਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਣ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਆਣੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਓ ਮਾਈ ਲੋਰਡ, ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਅਵਰ ਲੋਰਡ ਗੋਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਾ, ਪਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹਨ
ਉਹ ਬਾਂਧਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜੇ ਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ ਇਨ ਦ ਐਂਡ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਾਧਾ ਟੀਚਰ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਬੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਗਈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਹੇਲ ਹੇਲ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਟੀਚਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਮੀ ਵਾਇਸ ਥਰੂ ਦਾ ਲੋਰਡਸ ਟੀਚਿੰਗਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਹੇਲ ਹੇਲ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਦ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਟੀਚਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਮੀ ਵਾਇਸ ਥਰੂ ਦ ਲੋਰਡਸ ਟੀਚਿੰਗਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕੱਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨੀਲੀ ਛੱਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਛਾਤੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ ਕੱਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਹਨ ਫਲਮਿੰਗੋ ਆਦਿ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ,
स्काई विच हन, तुरे फिरते हैं, उड़े फिरते हैं, अपनिया जो वाहगुरु ने उन्होंने उड़न का साधन दिता है, पंख दिते हैं, बड़ी बड़ी दूर उडारी मारते हैं, कई बार खंभ भी नहीं मारने पैंदे। जिमें सिद्ध सिद्ध गोस्ट पढ़ो, जिमें सिद्ध जड़े ने वो उड़दे सन आकाश विच, तिवें पंछी उड़े फिरते हैं। कई चिट्टे हैं कपड़े बागे वाली, कई रंगां दे हैं, पर उड़े फिरते ने आकाश विच, कई बारी सानू भी नज़र नहीं आते। जहाज का तो कह दीदा ओ जहाज जा रहा है, पर वो नज़र नहीं आते। जैसी गगन फिरंती उड़ती, जैसी फरमाया है सतगुरु ने, जिमें कोई जन्म देन वाली वो जड़ी पंछी है वो बच्चे पिछे होंदे हन, जिमें पवित्र पावन गुरबाणी और हरास साहब जी विच पढ़ते हाँ, ओडे ओडे आवै सैको सौ तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया। जिमें माँ ध्यान रखती है, सिमरन करती अपने बच्चे का, घर तो अंदर होवे बाहर होवे, कमरे में होवे बाहर होवे, उहदा ध्यान अपने बच्चे वाल ही रहिंदा है। तिवें वह आकाश में उड़ी फिरती है, पर ध्यान उहदा अपना बच्चों वाल है। जैसी गगन फिरंती उड़ती कपड़े बागे वाली, उहदा रंग फरमा दिता है धन गुरु रामदास महाराज जी ने, द वाइट फ्लेमिंगो सर्कल्स थ्रू द स्काई। उहदे बच्चे जिथे भी हन, वह भावें किन्नी दूर उड़ी फिरती है, पर ध्यान बच्चों विच है। जिवें माँ का ध्यान अपने बच्चे विच है, वह दुध देंदी रहिंदी है, अपने बच्चे पाल देंदी है, वड्डा कर देंदी है हौली हौली। ओह राखै चीत पीछे बेचे बचरे बचरे, उहदे जड़े बच्चे हैं, वह भावें आकाश में उड़ी फिरती है, पर ध्यान उहदा अपने बच्चों वल है। रहरास साहब जी के पाठ विचों जरूर पढ़िया करो, ओडे ओडे आवै सहको साथ इस पाछै बचरे चरिया, तिन कमन खलावै कमन चुगावै मन मह सिमरन करिया। मन विच उहदा ध्यान अकाल पुरख वल भी रहिंदा है, वाहिगुरु मेरे बच्चों का तू रखवाला है। आपां भी किते जाइए तो वाहिगुरु अगे बेनती करी दी है, सतगुरु जी असीं बड़ी दूर हाँ, इंग्लैंड विच हाँ, अमेरिका विच हाँ, पता नहीं कित्थे कित्थे तुरे फिरदे हाँ, सतगुरु जी जिहड़े साडे बच्चे हन इंडिया विच जां एवरीवेयर किते भी, सतगुरु जी तुसीं उहनां दे रखवाले हो। दुनिया ते जिहड़े ह्यूमन हन असीं हाँ, वह भी अरदास करते हाँ मालिक अगे। एक माँ ते प्यो बिना कोई नहीं अरदास करन वाला, माँ नूं नींद नहीं पैंदी सारी सारी रात, वह अरदासां ही करदे आ बिरध हो जाती है अपने बच्चों दी। वाहिगुरु इन्हां नूं राह दे दे, वाहिगुरु इन्हां दा भला कर दे, वाहिगुरु इन्हां दे काम कार चला दे, वाहिगुरु ये भावें बोलण ते भावें ना बोलण, सतगुरु जी इन्हां ते मेहर भरिया हथ रखना। माँ हमेशा अरदासां करती रहिंदी है डे नाइट। और आखै चीत पीछे बिच बचरे, नित हिरदय सार संभाली। धन गुरु रामदास महाराज सॉरी चौथे पातशाह साहिब, धन 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 गुरु रामदास जी बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे पूरन ताल खटाया, अमृतसर विच जोत जगावे। गुरु महाराज जी सेज बट शी कीप्स हर यंग वंस इन हर माइंड, She has left them behind, but she constantly remembers them in her heart. She constantly remembers them in her heart.
त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी अनाली। त्यों सतगुर गुर सिख प्रीत हर हर की हर हर की गुर सिख रखै जी नाली। उस फलमिंगो वांगू कोई भी जन्म देन वाली दुध देन वाली उदा फूड उनू देन वाली मां जड़ी है जिमें खिन खिन सैकेंड सैकेंड अपने बच्चे का ध्यान रखती है तिवें गुरसिख जड़े हन वो अपने सतगुरु जी का ध्यान खिन खिन रखते हैं ते सतगुरु अपने गुरसिखां दा ध्यान रखते हैं। त्यों त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी अनाली। सतगुरु अपने गुरसिखां दे नाल ही रहिंदे हन ते पूर्ण गुरसिख भी अपने सतगुरां दे नाल ही रहिंदे हन खिन खिन जपदे रहिंदे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मावां दीयां एग्जैंपलां दे के उन्हां पंछियां दीयां जिहड़े आकाश विच उड़ रहे हन उन्हां दीयां एग्जैंपलां दे के समझा रहे हन गुरसिखां नूं इन जस्ट द सेम वे द ट्रू गुरु लव्स हिज सिक्स द लॉर्ड गॉड अकाल पुरख वाहिगुरु जी cherishes his gursikhs and keeps them clapped to his heart jaise kati tis batis hai आ बत्ती दंद जड़े हन कैंची वर्गे हन कैंची वाला काम करते हैं सारी उम्र सब कुछ रोटियां होन दालां सब्जियां भाजियां फल फ्रूट सब कुतर छड़ते हैं कट छड़ते हैं। धन हन अकाल पुरख वाहिगुरु जी जिन्हां ने फ्लैश मास दे विच पत्थर ला दिते ने पत्थर चिट्टे पत्थर उज्जल पत्थर अपने आप सोचिया करिए धन हन अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हां ने फ्लैश दे विच मास दे विच पत्थर पैदा कर दिते हन पत्थर बीमारियों वाले पत्थर नहीं आ जड़े पत्थर दंद हन मास दे विच पत्थर लगे तन इह लाउण वाला कौन है अकाल पुरख वाहिगुरु जी लाउण वाले हन इन्हां बत्ती पत्थरां नूं जिन्हां नाल ये कैंची का काम करते हैं सारी जिंदगी पता नहीं जिमें मशीन पट्ठे कुतर दियां हन गौं मझां खांदियां हन तिवें सारी जिंदगी ये भोजन कुतर कुतर के 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 थक गए हन आखिर निकल जाते हैं टुट जाते हैं खत्म हो जाते हैं। इन्ना याद रखना मास दे विच अकाल पुरख ने पत्थर ला दिते हन कि ये बंदा भोजन छक सके ये कैंची वर्गे ये बत्ती दंद ये नाल ही जीभा रहिंदी है अकाल पुरख ने जीभा ला छड़ी है जो निंदा भी करती है जे वाई महाराज की कृपा होवे वाहिगुरु जी की तो नाम भी जपती है। जैसे काती तीस बत्तीस है अबाउट ती बत्ती दंद होंदे ने
23:30, 32 काती कैंची सिस अज जैसे काती 30-32 है विच राख रसना मास रत केरी। लहू वाली जबान रसना जड़ी है इन्हों बत्तियां दंदियां दंदां दे विच रहिंदी है, पर ये कैंची ये दंद इस जीव न छेती कीतियां कुछ नहीं कहिंदे। किते किते भावें माड़ी जी इहनू पनिश देण किते किते लग जांदे हन, पर सारी जिंदगी ये जीव बची रहिंदी है इन्हां दंदां दे विच। दशमेश पिता जी दे बचन पढ़िया करो। धन गुरु रामदास महाराज एक्सप्लेन इन द गुरबाणी जस्ट एज द टंग मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोटेक्टेड विद इन द इज प्रोटेक्टेड विद इन द सेज अस कैंची ऑफ द 32 teeth। लिसन अगेन, जस्ट एज द टंग मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोटेक्टेड विद इन द सिज़र्स ऑफ द 32 teeth। कोई जान हो मास काती कै किछ हाथ है, कौन जान सकदा ये मास विच लगे हुए दंद जड़े हन बत्ती जां इन्हां विच रह रही जीभ है, जिवें असीं अपने कमरियां च रहिंदे हाँ जीभ सारी 70-80-100-125 साल इन्हां दंदां दे विच ही रहिंदी है जद तक बंदा जीउंदा है। इहदे रहिण दी थां इयो बनाई है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मूंह दे विच। कोई जान हो कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, ये जीभ दे हथ है सब कुछ के दंदां दे हथ है सब कुछ के कैंची दे हथ है सब कुछ, जिहड़े कैंची दा काम करदे हन सारी जिंदगी प्रशादे नूं कुतरदे रहिंदे हन। एक इहदे हथ है सारी पावर। कोई जान हो मास काती कै किछ हाथ है सब वसगत है हर केरी, सब वसगत है हर केरी। कोई जान हो मास काती कै किछ हाथ है, धन गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन सब वसगत है हर केरी। वसगत कहिंदे ने दंद होण जीभ होवे, ये मास विच लगे हुए पत्थर जिहड़े हन ये सारी वसगत सारा कंट्रोल जिहड़ा है ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे कोल है, जड़े हर हर एक विच वस रहे हैं उन्हां दे हथ है। धन गुरु रामदास महाराज एक्सप्लेन इन द गुरबाणी हू थिंक्स दैट द पावर लाइज इन द फ्लैश और द सिज़र्स, एवरीथिंग इज इन द पावर ऑफ द लॉर्ड गॉड अकाल पुरख वाहिगुरु जी को ओंकार जी। त्यों संत जना की नर निंदा करह, जिवें दंद कुतरते रहते हैं रोटी प्रशादे नू भोजन नू हर एक चीज नू कट 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 थकते ही नहीं, जदों टाइम पूरा हो जाता है उदों इन्हों निकलना पैंदा है
इस मूँह दे विचों निकलते भी बड़े औखे ने, जंबूरां ना पुट पुट के कढ़ने पैंदे ने, जान दा नां नहीं लैंदे, दुख देंदे रहिंदे हन, दर्दां हुंदियां हन। तिवें निंदक निंदिया करदे रहिंदे हन, भावें उन्हां नूं निंदिया दा फल मिलदा रहे, दुखी परिवार रहे, बच्चे दुखी रहन, फैमिली दुखी रहे, पर उह संतां दी निंदिया नहीं छड्डदे, नाम जपण वालियां दी निंदिया नहीं छड्डदे, तंग करदे हन उन्हां नूं, पर तंग कर करके थकते नहीं। राबी पुटता है जिवें डॉक्टर दंद पुटते ने, तां जाके निंदिया करन वाले चुप करते हैं। जीबा निंदिया करती रहती है, ये जिन्ने उपर आए हैं इन्हां दी एग्जाम्पल दित्ती है गुरु रामदास महाराज जी ने निंदकां बारे। त्यों संत जना की नर, नर सानू किया है जड़े असी हाँ बंदे दुनिया ते आए हुए, सतगुर साहिब छड़ के मनमुख होए बंदे ता बंदा, निंदिया करते हैं। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ 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 ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ, ਹਰ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੇ ਉਸੇ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਦੰਦ, ਇਹ ਜੀਭਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਪੇਜ 168 ਇਨ ਜਸਟ ਦ ਸੇਮ ਵੇ। When someone slanders the saint, Vaheguru, baksh lo, Vaheguru ji, baksh lo, baksh lo, baksh lo. In the just the same way, sade muh ton example layi hai Dhan Guru Ram Das Maharaj ji ne, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੈੜਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। In the just the same way, when someone slanders the saint, the Lord preserves the honor of his servant. Pai mat koi jan ho, kisi ke kich haath hai, sab kare karaya. Tan Guru Ramdas Maharaj ji se sama ho gaya hai. O siblings of destiny, let none think that they have any power. All acts as the Lord's causes.
causes them to act. सब कुछ वाहिगुरु के हाथ है, वाहिगुरु के हुक्म अनुसार ये जीवा नाम जपती है, ये जिन्ना पोर्शन है, ये जिन्ना कंट्रोल है मालिक के हाथ विच है। ताई अरदास बेनती करती सच्चे पातशाह साढ़े मूँह कोई ऐसा बोल ना कढ़ाउणा जिहदे नाल सानू दुख मिले, पनिश मिले। इन दंदां दे नाल कुछ ऐसा ना खादा जावे जिहदे नाल सानू लेखे देने पैण। मालिक कृपा करो, कृपा करो। हर मंदिर इहो शरीर है, ये बॉडी एक टैंपल है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का घर है। हर वेले श्वासां दे रूप विच परमात्मा कनैक्टिड हन इस बॉडी दे विच नाल। जरा मारा ताप सिर ते साप सब हर कै वस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। ओल्ड एज, डेथ, फीवर, पॉइजन्स एंड स्नेक्स, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड गॉड, अकाल पुरख जी। नथिंग कैन टच एनीवन विदाउट द लॉर्ड्स ऑर्डर। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो हो। वाहिगुरु, ऐसा हर नाम जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। ऐसा हर नाम मन चित नित त्याव हो। ऐ मेरी मना जो हर एक विच वस रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, उन्हां दा नाम जो है सतनाम, जो धन गुरु नानक साहब जी ने पूरी दुनिया दे विच जपाया है, सतनाम दा चक्कर फिराया। धन गुरु रामदास महाराज जी के भी हुक्म हैं, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जो शब्द है इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जा कै वस है काम ते ना सो। ऐसा हर त्याईए मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। ऐसा हर नाम मन चित नित त्याव हो। नित ऐ मेरे चित, ऐ मेरे मना, मना जुड़ जा चित दे नाल, तेरे जन त्याव है। एक मन एक चित, नित ते आवो, रोज जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। उठदियां सार है बट बन जावे मूँह निकले सतनाम श्री वाहिगुरु। सौन लग्या भी उठत बैठत सोवत ते आईए, मार्ग चलत हरे हर गाइए, राह विच जांदियां भी सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम तो बिना एहो कुटंब तू जे देखदा चले नाही, तेरे नाले साथ तेरे चले नाही। एथे दुनिया विच ए सारे साथ देन वाले हन, होने भी चाहिए ने, मालिक ने दिते हन, माई बाप पुत्र सब हर के किए, धियां पुत्र परिवार ये जिन्ना है, वड परिवार पुत्र धियां ये सारा मालिक ने दिता है। इहदा दुनिया दे विच दिल लगा रहे पर अंत वेले जदों टाइम मुक जांदा है, मुड़ के टाइम तो लभना नहीं है, जिंदगी का अवसर चुका हाथ ना आवे, द टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड, मुड़ के थोड़ी मिलता है टाइम। मानस जन्म जड़ा है, मानस जन्म बहर न पावे, कछु उपाव मुकत का कर रहे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी, नाम ने ही नाल जाना है, जह मात पिता सुत मीत न पाई, मानू हां नाम तेरे संग सहाई। कोई नाल ना होवेगा, आ बॉडी भी नाल ना होवेगी, इत्थे दुनिया च ही मां ने दित्ती सी जन्म दे के, इत्थे ही रह जानी है, खाक हो जानी है, ऐश हो जानी है, उदास ना होया करो।
ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया, अंति अवसर ले छड़ाया, अंति अवसर ले छड़ाया, अंति अवसर ले छड़ाया, अंत वेले नाम छड़ा लवेगा, कोई साडे नाल ना होवेगा, ये देवी नाल ना होवेगी, मेरे मना तेनु कल्ले ही जाना पवेगा, तुयो लेखे देने हन, तुयो अपना बीजिया वढ़ना है, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो, हुक्म जदों हो गया उदों उठ के तुरना पैना तेनु, नाम जपया कर, गुरुद्वारा साहब जाया कर, सेवा करया कर, सिमरन करया कर, गुरबाणी पढ़िया कर, प्रशादे वरताया कर, वाहगुरु जी प्रशादा जी, वाहगुरु जी जल जी, वाहगुरु जी दाला जी, वाहगुरु वाहगुरु कर दें, दाला वाहगुरु जी, जल वाहगुरु जी, प्रशादा वाहगुरु जी, सेवा करदियाँ करदियाँ ही नाम चल पवेगा, रसना दे नाल बोलना आ जाएगा, वो बोलिया होया अंदर टिक जाएगा, अंत वेले अकाल पुरख वाहगुरु जी के दर से मुख उजला होवेगा, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी, नाल नाल जिहड़े कंपानियन हन, अखां हन, कन्न हन, हथ हन, पैर हन, ये जिहड़े बॉडी दे नाल कंपानियनज हन, इन्हां दा भी भला हो जाएगा, विण सेवा त्रिग हाथ पैर होर ने फल करनी, इन्हां नूं भी शर्मिंदा ना होना पवेगा, इन्हां नूं लाज ना लगेगी, बच जाणगे, ते जिन्ने ही नाम जपया नहीं सेवा की, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम भी होन सुखी क्यों, सो विदाउट नाम वाहिगुरु जी तो किदां कोई सुखी सौ सकता है, हाय हाय करे दिन रात, हाय हाय करदियां रात दिन निकलता है, उदास ना हो जाना, कई बचन जड़े हन गुरबाणी विचों आ जाते हैं, वो संगतां नूं कहने पैंदे हन, अपने मेरे मन नूं भी उन्हां दा फल मिलता है, मैनू भी उसका सुख मिलता है, उन्होंने बचना का सुख मिलता है, विद इन यूर कॉन्शियस माइंड, ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले छड़ाया, धन गुरु नानक देव महाराज जी सेज, चौथे स्वरूप धन 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 गुरु रामदास महाराज जी, चौथे गुरु नानक जो हैं, विदन यूअर कॉन्शियस माइंड ओ सर्वंट नानक, धन गुरु नानक देव महाराज जी से, क्योंकि गुरुआ सारिया ने वड़े बाबा जी का नाम ही लिया है, हर जगह ते हर वाक विच, सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच धन गुरु नानक साहब जी का नाम आया, क्योंकि वड़े हन ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सार ना जाना, तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल रखी मेरी, गुरु महाराज जी सेज, धन गुरु नानक देव महाराज जी सेज, विद इन यूअर कॉन्शियस माइंड ओ सर्वेंट नानक, मेडिटेट फॉरएवर ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हु शैल डिलीवर यू इन द एंड, भुलां दास दियां खिमां कर देने की कृपालता करनी, जी वी एल गुरबाणी सेवा तो दस रहे हैं, लीड्स तो यूके तो, ये सेवा सतगुरां ने करवाई है, जिवें बुलाया है तिवें दसरा बोलिया है, कई अखर अगे पिछे हो जाते हैं, भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुले, पूरी दुनिया मालिक ने भुलण वाली बनाई है, बंदा भुल जाता है, संगत गुरु का रूप है, विच संगत हर प्रभ वसे जियो, दास नूं खिमा कर देण दी कृपालता करनी, सतगुरु जी की कृपा नाल दास ने कोशिश की है, किसी भी जो भी गुरबाणी दे वीडियो हैं उन्होंने कोई पैसे लैन वास्ते कोई ऐड नहीं लवाई दास ने, संगत जिन्हों का कोई मन करे दास की हेल्प करने वास्ते, जे किसी का कोई मन करे संबंध अकाउंट नंबर नाल दिता हुंदा है, कुछ जे पाउणा चाहो तो वो पा दिया करो,
क्योंकि दुनिया में रहिंदियां जब तक दुनिया में रहना है उन्हां च बिना माया तो संसार नहीं चलता। बाल बच्चे हैं, परिवार है, सिंगणी है, घर परिवार है, सारिया नूं सारिया दियां अखां वल माता पिता वल हुंदियां हन। सो जे तुहाडा मन करे तो अकाउंट च पा दिया करो, ना मन करे तो आपो अपने मन नूं क्या करो, जप मन सतनाम सदा, सतनाम सदा ही सतनाम जपते रहा करो, वाहिगुरु जपते रहा करो, गुरबाणी पढ़ते रहा करो, हौली हौली पढ़िया करो, दो घंटियां दे विच मसां ही 10-15 अंक करिया करो, फिर जाके मन नूं शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जिहड़ा बोल बोलिया है उन्हूं अपने संपट विच डब्बे विच रख लिया करो। संपट पाठ ते कर लई दे ने, पर जिहड़ा अंदर डब्बा लगा होया है, जिहड़ा बोल बोलिया है उह ते उहदे विच रखिया ही नहीं। जो भी गुरबाणी का बोल बोलिया जाए उहदी मीनिंग जिहड़ी है उह अपने डब्बे विच, संपट विच, हिरदे विच, दिल विच रख लिया करो। हिरदे नाम वसायो, घर बैठे गुरु दिया, घर बैठे ही वाहिगुरु याद आउणगे। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।